सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में पिछले डेढ़ माह से किसानों का आंदोलन चल रहा था। अब किसान दिल्ली को इस आंदोलन का केंद्र बनाना चाह रहे हैं। तभी किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया। पंजाब के विभिन्न हिस्सों से निकले किसानों के काफिलों में रसद और ठंड से बचने की पूरी व्यवस्था है। किसानों का कहना है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वे दिल्ली में डटे रहेंगे। बता दें कि तीन राज्यों के किसान केंद्र सरकार के नए श्रम कानून का विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली में घुसकर चक्का जाम की योजना बनाई थी और सुबह से ही किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली में प्रवेश करने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर से जमकर बवाल की खबरें भी आई। एक तरफ जहां पुलिस को इन किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और वाटर कैनन से पानी की बौछार करनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ इन प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस के बैरिकेड्स नदी में फेंकने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में दो दिन प्रदर्शन करना चाहते थे। 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक के दिल्ली कूच पर निकले इन किसान आंदोलनकारियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा सीमा पर पुलिस और सुरक्षा बलों की जमकर तैनाती की गई। जब आंदोलन बढ़ा तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी सुरक्षा बलों की जमकर तैनाती की गई। जब किसानों को अंबाला हाईवे पर रोका गया तो बैरिकेड्स लिए पुलिसजनों के साथ झड़प की खबरें भी आई। इस वक्त दिल्ली की सभी सीमाओं पर लंबे जाम लगे हुए हैं और दिल्ली में प्रवेश के लिए आम आदमी को भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में योगेंद्र यादव ने किसान मोर्चा को दिल्ली कूच के लिए बुलाया था, लेकिन वहां पहुंचे सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हरियाणा में धारा 144 लागू कर दी गई। वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली कूच में 1,00,000 किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा था। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें रोका गया तो वे दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते जाम कर देंगे। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने NCR से दिल्ली जाने वाले सभी मेट्रो सेवाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी हैं। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।